एक सवाल ये है शेख, इन्होंने पूछा है कि शेख मतलब क्या कोई औरत खुला लेती है तो क्या उसे इद्दत गुजारना पड़ेगा, और एक औरत है जिसका निकाह हुआ हो और बाद में मियां बीवी कहीं एक साथ नहीं रहे 3-4 साल तक, उसके बाद तलाक हो गया, तब भी औरत को जो है इद्दत गुजारनी होगी, उन दोनों का सिर्फ निकाह हुआ था लेकिन दोनों कभी साथ नहीं रहे। पहले सवाल, दो सवाल थे, इनमें से पहले सवाल का जवाब ये है कि औरत जब खुला लेती है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर इज्जत वाजिब हो जाती है जी, और इज्जत एक हैद है, ये उन औरतों के लिए है जो खास तौर पे निकाह के और रुसती के बाद इज्जत खुला लेती है, तो इस सूरत में उनके लिए इज्जत है। और इज्जत का ताल्लुक सबसे वादे बात ये है कि इज्जत का ताल्लुक यानी मियां बीवी के रुसती के बाद एक गैप रखने से नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं मियां बीवी के दरमियान अख्तलाफ है या किसी दूसरी जगह पे शौहर है, तो अब वो भी कहते हैं कि हम तो शौहर के साथ रही ही नहीं इतने दिनों से, तो इज्जत क्या गुजारे। नहीं, इज्जत ये हम अल्लाह के लिए गुजारते हैं, और एक शौहर एक के ताल्लुक टूटने पर अल्लाह तबारक तआला ने इसका हुक्म दिया है, इसमें की ताबेदारी में हम करते हैं। तो ऐसे ही अगर खुला लिया गया तो खुला लेने के बाद एक हैद की इज्जत गुजारी जाएगी। जहाँ तक दूसरा ताल्लुक है वो ये कि 3-4 साल तक उसके बाद तलाक भी दूर रहे, उसके बाद तलाक भी, तो अगर कभी नहीं मिले, निकाह हुआ और कभी नहीं मिले यानी रुसती नहीं हुई, दोनों में वाशरत नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए अल्लाह कि जब तुम औरतों को तलाक दो उनको छूने से पहले यानी उनके साथ साथ रहने से पहले, तो ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए उनके ऊपर कोई इज्जत नहीं है जो इज्जत को गुजारेगी, तुम्हारे हमारे ही नमी जतन का, तो यहाँ पर इज्जत नहीं होगी। लेकिन अगर होती होगी उसके बाद 3-4 साल 5 साल या 10 सालों तक अलग रहे, उसके बाद तलाक भी और औकात भी, तो ऐसी सूरत में इज्जत गुजारना वाजिब हो जाए। जी, जज़ाकल्लाहु खैर।